बालवीर बच्चों की मदद उनका खेल का मैदान बचाने के लिए। वाह, अभी जाकर सुनाता हूँ ये खबर परी भयंकर को। सुन लिया बालवीर ने सब कुछ, बनाएगा वो मेरी चटनी। बालवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तौबा तौबा, और भयंकर परी कहाँ है? मुझे सच सच बताना वरना बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। अरे बालवीर, परी भयंकर की परी भयंकर जाने, मैं तो जानता हूँ सिर्फ मेरी। वो है क्या ना, खा खा के भयानक लोग की धूल हो गया था मेरा पेट खराब, तो आया था मैं पृथ्वी लोग खाने यहाँ की मिठाई और पकवान। तौबा तौबा, तुमने अपने गंदे कदम पृथ्वी लोग पे रखने की हिम्मत कैसे की? माफ कर दो बालवीर, आइंदा नहीं आऊंगा यहाँ पर। नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफी कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जितने भोले बन रहे उतने तो भोले हो नहीं, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। हे नटखट परी, चलाओ कुछ ऐसा चक्कर, तौबा तौबा खाए ब्रह्मांड के ग्रहों से टक्कर। को ये लगता है ना कि मैं बहुत बुरा आदमी? हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। अच्छा, अगर आप इतने प्यार करते तो आप हमें हमारे पास वापस दे दीजिए। चलो पहले कुछ खाते हैं। हाँ, हाँ, खाते खाते जल्दी जल्दी। एक्चुअली तुम सभी बच्चे बहुत स्मार्ट हो, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सभी बच्चों को एक एक स्मार्टफोन दूंगा। थैंक यू अंकल, मतलब मेरे पापा जी के अलावा किसी ने मुझे पहली बार स्मार्ट कहा है। और जानते हो स्मार्ट बच्चे स्मार्टफोन पे क्या करते हैं? स्मार्ट बच्चे स्मार्टफोन पे वीडियो गेम खेलते हैं। ये तुम लोग कहाँ पार्क वार्क में जाते रहते हो? अरे पार्क में क्या मिलता है तुम लोग, वहां जाना छोड़ दो। अच्छा अंकल, आपकी दादागिरी नहीं चली तो अब हमें रिश्वत देके मनाना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ऐसा ही है, आप अपना स्मार्टफोन अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा पार्क चाहिए। हाँ, और ये लड़ाई हम सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। जो कि पार्क में खेलने जाते हैं। और आप बताओ, अगर पार्क ही नहीं रहा, मैं टिड्डियों को पार्क से बाहर कैसे निकालूंगा? मतलब हमें पार्क से कोई नहीं निकाल सकता? हाँ, कोई नहीं। हाँ, वो पार्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। वाह तौबा तौबा, तुम इतने आज्ञाकारी कब से हो गए? मेरा आदेश मानकर तुम रात भर ऐसे ही खड़े रहे, खुश हुई? भयंकर खुश हुई? जाओ, माफ किया तुम्हें, अब आराम से जाकर चैन की नींद सो जाओ। क्या मेरे हड्डियों का
पाचा। तौबा तौबा तुम। तो फिर कुतला भयंकर से चला कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें सच में पुतला बना दूंगी। अरे पहले सुन तो लीजिए इस गरीब की पूरी बात। गया था मैं पृथ्वीलोक और देखा था मैंने बालवीर और बच्चों को, तो है पता क्या आपको कि क्या कहा बालवीर ने बच्चों से? हाँ, थैंक यू बालवीर, तुमने हमें जादू शक्ति दी और तुम्हारी वजह से कांचा छीना गिला भाग गए और हमारा मार बच गया। मैंने तो बस सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है और अपना कर्तव्य निभाया। तो ये बात है, आगे की कहानी मैं बताती हूँ और फिर उसके बाद बालवीर ने तुम्हें पकड़ लिया और फिर यहाँ पटका वहां पटका और फिर ब्रह्मांड में जाके यूं जोर से फेंक दिया। अरे भयंकर है आप तो, अंतर्यामी है आपको सब पता। 100 दर्द सहे, 100 ठोकरे खाई, परी भयंकर किसके लिए? मेरे लिए। हाँ, और है कौन मेरा? समझ गए, सब समझ गए, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो ये कि झूठ को बार बार नहीं बोला जाता। तबा तबा मुंह पे कालक पोत लेने से झूठ सच में नहीं बदलता। नहीं, झूठ नहीं है ये सच। नहीं, अभी तक तो ये झूठ ही है और अब मैं इसे सच में बदल दूं। जो काम बालवीर ने तुम्हारे साथ नहीं किया वो मैं करूंगी। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अंकल, क्लैप हमें करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो? हार आप हमें दे रहे हो ना? हाँ। इनको देख रहे हो, मेरे एक इशारे पे ये तुम लोगों की बैंड बजा दूंगा। अभी वक्त मान जाओ, क्योंकि मेरा नाम है कांचा छीना और मैंने सबका सब कुछ छीना। अरे ये बालवीर कहाँ रह गया? छीना अंकल, आप हमें धमकी मत दो। भूल गए पार्ट में कैसी बैंड बजाई थी? फिर से बैंड बजाए क्या? अरे भाई, ये लोग मेरी बैंड बजाने आए हुए, जरा इनकी बैंड तो बजाओ, तब तक मैं बर्गर खा लेता हूँ। तेरी ये मजाल कि मुझ पर हंसेगा? अभी बता दो। देखो बच्चों, मेरे साथ खेल मत करो,
तुम लोग फूल जैसे हो और मैं काटा। अगर चुप गया ना तो बहुत दर्द दूंगा। देखो कांटे का कांटा चुभ गया। मान जाओ मेरी बात को, मैं एक जहरीला सांप हूं। जहरीला सांप। तुम्हारी तो अब इस कुर्सी पर चिपक कर बैठे रहो। अरे मारो इनको, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अरे बॉस हम भी नहीं मारे हैं। और टकराओ बालसीने से, बालसीने से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो अब आप हमारा पार्क दोगे या नहीं? कभी नहीं। अच्छा ठीक है, हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी बुराई का अंत जरूर करेंगे। और हाँ, आप खुद हाथ जोड़कर हमें अपने पेपर्स वापस लौटाएंगे और आपका बुरा समय शुरू होता है अब। अरे मारो इनको, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हे नटखट परी, अच्छा ही हमेशा जीते, इसके अंगरक्षक इसको ही पीटे। मारो इन लोग, मारो इनको। अरे मुझे तो मारो, इनको मारो। सर पता नहीं क्यों हमारे हाथ पे रुकी नहीं रहे। ये बाल सेना नहीं, शैतानों की सेना है। ओह, मेरे ही गार्ड लोगों से मुझे पिटवा दिया। बहुत दर्द दिया बच्चों तुम लोगों ने मुझे, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं इस दर्द का 10 गुना दर्द तुम लोगों को ज्यादा दूंगा, क्योंकि कांचा छीना नाम है मेरा। मैंने सबका सबको छीना। लगता है अभी भी इसकी अकल ठिकाने पे नहीं आई है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हे नटखट परी, कर कोई जादू ऐसा सरल कि इसे ना दिख पाए जल। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया, लेकिन तुमको नहीं पिलाऊंगा। क्यों अंकल, क्या सोचा है अपने पार्क के बारे में? सोचना क्या है, हमें हमारे पार्क वापस दे दो बस। हरगिज वापस नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे वापस नहीं करूंगा।
क्योंकि मेरा नाम है कांचा छीना, मैंने सबका सब कुछ छीना। वैसे तो छीनने में एक्सपर्ट है हमारे मोंटू बॉस, बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर। हाँ, छीनने के लिए तो मोंटू बॉस को बहुत पनिशमेंट मिले, कभी लड़की बने, कभी मधुमक्खी बने, कभी बंदर बने। बताइए अंकल, आप क्या बनना चाहेंगे? बल्कि इसमें पूछने का क्या है, हम आपको मधुमक्खी बना देते हैं। मुझे मधुमक्खी नहीं बनना है। तो बंदर बना दे, फिर हमारे साथ पाक आपके भी काम आ जाएगा। नहीं, हम इन्हें लड़की बनाएंगे। चुप, मुझे कुछ नहीं बनना है। कुछ नहीं बनना तो हमारे पाक लौटा दीजिए, नहीं तो। नहीं तो क्या? रुक जाओ। हमारे पार हमें दे दो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। हमारे पार हमें दे दो। हमारा पार हमें दे दो। हमारे पार हमें दे दो। अब ये बताता हूँ। ज़्यादा मार कभी नहीं खाई, आराम कर लेता। इस गाड़ी को भी बुझा दे। पागल कर देंगे। अभी ये भी बर्गर की तरह उड़ तो नहीं जाएगा। गौर से देखिए इस शख्स को, इसका नाम कांचा छीना है। ये जमीन का फूका है,
ये लालची है, ये वैसी करनी वैसी भरनी, ये कानून का ही नहीं बच्चों का भी अपराधी है। लेकिन बच्चों जैसी करनी वैसी भरनी, इस कांचा छीना ने सबका सुख चैन छीना है, लेकिन अब बच्चे इसका सुख चैन छीन रहे हैं। ये बच्चे न्यूज चैनल तक भी पहुंच गए। चबा जाऊंगा तुझे, फूके की तरह फुला फुला कर फोड़ दूंगा तुझे। आली रे आली, आता तुझी बारी आली। ये क्या हो रहा है? यू अंकल, पार्क वापस करोगे या नहीं? अरे मेरे पाप, मुझे तुम लोगों के पार्क नहीं चाहिए। कल मेरे ऑफिस आके सारे के सारे पेपर वापस लेके जाओ। मुझे बख्श दो प्लीज, मुझे बख्श दो। मेरी बात पर यकीन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मानूंगा नहीं मैं हार, करके रहूंगा मेरी बात में साबित। क्या कर रहे हो ताबा ताबा? आईना रहा हूं, दिखा आपको आईना। अगर उठाया आपने एक भी गलत कदम तो जीत जाएगा बालवीर और हार जाएगी बुराई। चुप, जब भी मुंह खोलता है उल्टी बात करता है। जब तक भयंकर जिंदा है बुराई का अंत नहीं हो सकता, समझे? हो जाएगा अंत अगर देगी नहीं आप मुझे मौका मेरी बात साबित करने का। ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें उठाकर जलते हुए ज्वालामुखी में डाल दूंगी। अरे छोड़िए ज्वालामुखी को और पहले ये देखिए। वाह सर वाह, पैसे की भाप लेने वाला तो मैंने पहला इंसान देखा है सर इस दुनिया में। हाँ कभी, क्योंकि पैसा मेरे लिए सब कुछ है। सर कहीं ये बाल सेना सर आपका सब कुछ ही ना लुटवा दे सर। गधे। यस सर। इस बाल सेना का कोई तोड़ निकालो। लो कांचा चीना, ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। अरे लेकिन क्यों? अरे लेकिन बेकिन कुछ मत करो भाई, उस बाल सेना ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। केवल इतना ही नहीं, मेरे कान में भोपू बजाए भोपू। नेताजी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं इस बाल सेना को छोड़ूंगा नहीं। अरे जानते हो वो लोग बहुत बड़े जादूगर हैं। अगर वो जादूगर है तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ा जादूगर है, डीसी ठकराल। मैंने बुलाया है, वो आ रहा है अभी मिलने मुझसे। नेताजी अब लोहा लोहे को काटेगा, क्योंकि कांचा छीना नाम है मेरा, मैं सबसे सब कुछ छीना। सुना आपने? आया समझ में? है कुछ दाल में काला। तौबा तौबा, अब तक तुमने मुझे सिर्फ आधा सच दिखाया है, है? अब तुम ही पूरा सच मुझे पता करके बताओगे। वो कैसे परी भयंकर? तुम पृथ्वी लोक पर जादूगर बन के जाओ। है?
ठाकुर। धुआं, आग, 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 आग। अरे रुको, रुको। ये पक्का उसी बाल सेना की कारस्थानी। जादू की देकर बना दिया मुझे जादू पर शक्ति से इस चिड़ी की अब मैं दिखाऊंगा चमत्कार और होगी मेरी प्रशंसा। ए! कौन हो तुम? पीछे ठकराल कहाँ है? ठकराल नहीं आएगा। क्यों? मतलब परी भयंकर ने मतलब इतनी भयंकर परीक्षा नहीं दे सकता वो ठकराल, इसलिए आया हूं मैं ठकराल का गुरु जादूगर। तम तम मेरे जादू में है बहुत तम तम। अरे लेकिन तुम तो बाल सेना के बच्चे से भी छोटे हो। मुझे छोटा कहा तो मनुष्य से तोता बना दूंगा। हाँ, देखना चाहते हो इस छोटे मनुष्य का बड़ा जादू? अभी देखो नमूना। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। पीछे देखो। ये मैं ऊपर कैसे आ गया? कांचा, अरे उससे बोलो जल्दी से मुझे नीचे उतारने के लिए। अरे उतार दो उसको। और देखो मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे दो। यार अभी बाकी है मेरे दोस्त। जादूगर बम बम, आपके जादू में बहुत दमदम। अरे वो बच्चे आपके सामने कच्चे नींबू की तरह, उनको बस आप निचोड़ के रख दीजिए। मीठे लगते हैं कितने तारीफ के शब्द, करता है जी की सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। देखा कांचा अंकल, हमने कहा था ना आप हमारे पार्क के पेपर्स हमें खुद ला कर दोगे। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है बच्चों, मैं तुम लोगों को पार्क लौटाने नहीं आया हूं, मैं तो तुम लोगों को छट्टी का दूध याद दिलाने आया हूं, क्योंकि मैं हूं कांचा छीना, मैंने सबका सब कुछ छीना। अरे कुछ कुछ करना मत, मैं बिल्कुल डर गया हूं, डर गया हूं। ये तो खेल के मैदानों को खुलवाने के लिए तैयार था, तो अब ये मना क्यों कर रहा है? ये कभी नहीं सुधरेंगे, इनकी तो चटनी बनानी ही पड़ेगी। चटनी तो अब तुम लोगों की बनेगी बच्चों। महान जादूगर बम बम, मैं हूं जादूगर बम बम, मेरे जादू में है बहुत तम तम।
मंत्र मारूंगा तो चूहे बना दूंगा तुम सबको। कर रहे बच्चे खोज किसकी? कहीं आसपास तो नहीं बालवीर? रहना होगा मुझे सतर्क। ए जादूगर बम, ज्यादा बकबक मत कर वरना एक गेंडा दिखाए ना तेरी ऐसे बम पे लात मारेगा ना कि तेरा सारा जादू निकल जाएगा। हाँ। हाँ। अपमान, महान जादूगर बम बम का अपमान। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। एक मंत्र बोलूंगा और तुम सबके मुंह बंद करवाता हूँ। ए बम बम, दिखाना अपनी जादुई ताकत। ये क्या हो गया था मुझे? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा था? अच्छा, इतनी सी जीत से खुश मत होना पार सेना। अभी देखता हूँ तुम लोगों को। एक और मंत्र मारता हूँ और तुम सबका मुंह काला करता हूँ। जादूगर बम बम का हो बोल पाला हो जाए तुम सबका मुंह काला। ए बम बम, तूने मंत्री जी का मुंह काला कर दिया है। अरे कांचा, मुझे क्या कह रहे हो, तुम्हारा भी मुंह काला है। ए! अरे बम बम, कुछ कर, कोई जादू कर। किया नहीं कुछ मैंने। है कर रहा ये सब बालवीर, गया हूँ समझ में बालवीर गिर रही। अरे जादूगर बम बम, क्या तुझमें नहीं है दम? ये बच्चे हम लोगों के इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? अरे जो बोलोगे तुम होगा भाई तुम्हारे साथ। नहीं समझते हो तुम क्यों? रखो अपना मुंह बंद। समझ में आ गया कि तुम्हारी बाल सेना के जादू के सामने मेरी एक नहीं चलेगी। हमारी जीतना था वो जब अपने पार्क के पेपर तो। आज शाम को मैं तुम्हारे पार्क के पेपर्स लौटा दूंगा। मेरे अंदर अब तुम लोगों से लड़ने की ताकत नहीं बची है, मुझे माफ कर। ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी बालवीर।
सच्चाई का नामो निशान मिट जाएगा। वो नमूना कांचा छीना हर कदम पे अपने साथ भयंकर को पाएगा। अरे पेपर रेडी है ना, मैं जल्दी से पेपर जो है बालसेना को लौटा के आता हूँ। अब सपने में भी मुंबई के पार्स में बिल्डिंग बनवाने की नहीं सोचूंगा। दे। सर जी, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे सर। अरे पैसे खटाने गया तो मैं खुद डूब जाऊंगा। कौन हो तुम? मेरा मतलब आप लोग कौन है? देखिए आप लोग वही है ना जो बाल सेना की मदद कर रहे। मैं पेपर बाल सेना को लौटा नहीं जा रहा हूं। अब कभी भी सपने में भी मुंबई के पार्क्स में बिल्डिंग बनवाने की नहीं सोचूंगा। मैं नहीं सोचूंगा। बेवकूफ, ये कागजात अब तुम्हें वापस नहीं करना। इन्हें अपने पास रखो और हर खेल के मैदान पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ। कौन हो तुम लोग? बुराई की रक्षक। बालवीर ने तुम्हारे रास्ते पे सच्चाई की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। मैं उन दीवारों को गिराने आई हूं। क्या करता? तभी मैं बोलूं कि ये बाल सेना इतनी बलवान कैसे हो गई। अगर मुझे पहले से पता होता कि बालवीर इनके पीछे है तो मैं तो सपने में भी इनसे पंगा नहीं लेता। अब मैं जाकर फटाफट पेपर लौटा कर ही आता हूं। पर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप वहीं बैठे रहो। ये तिलस्मी तावीज है, इसे पहनते ही तुम सारे बुरे लोगों के चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसे बालवीर का कोई भी जादू तोड़ नहीं पाएगा। कितने का है? चेक में दूं या कैश में? बेवकूफ, इसकी कीमत तुम्हारे कागजी टुकड़ों से कहीं ज्यादा है। जिस दिन बुराई की जीत होगी ना, उस दिन तुम्हें इसकी कीमत का पता चलेगा। चलो पहनो इसे। अब बाल सेना को ये कागज नहीं देने हैं, बल्कि अब उनसे बदला लेना है। अब आएगा असली मजा। अब उस बाल सेना का बुरा वक्त शुरू और कांचा छीना का अच्छा वक्त शुरू। बुढ़ा भाई, बाबूजी, बताएं, हमारी बाल सेना ने कांचा चीना अंकल को हरा दिया। सच्ची? हाँ, और आज शाम को वो हमें पार्क के पेपर्स वापस दे देंगे। हाँ। लेकिन हाँ, उस इंसान का हृदय परिवर्तन किया किसने? मैं। रॉकी चाचू की वजह से। मेरी वजह से? हाँ। अरे वाह बेटा। हाँ हाँ, लेकिन ये सब मैं बालवीर की मदद से ही कर पाया। पता है, बालवीर ने उस कांचा चीना अंकल को इतना मारा और ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से बच्चों का पार्क वापस मिल गया। मैंने तो सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों का साथ दिया और अपना कर्तव्य निभाया। सच्चे और अच्छे बच्चे? मोंटू बॉस, ये सुनकर आपको बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ,
अभी कोई कौवे को हंस बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही ना। हाँ। बस बच्चों ने इतनी अच्छी खबर दी है ना, तो मैं सबके लिए करेले का हलवा बनाती हूँ। दादाजी दादाजी लेकिन तुम लोग जरूर खा के जाना। हाँ बालते ना देखना, आज जब ये ताला खुल जाएगा फिर हम लोग खूब खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखो कांचा अंकल आ गए। पार्क के पेपर्स। सॉरी, अब तुम लोगों को पार्क के पेपर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपना फैसला बदल दिया। क्योंकि अब इस जगह मेरे नाम की बिल्डिंग बनेगी। क्योंकि मेरा नाम है कांचा छीना और मैंने तुम्हारा ये पार्क छीना छीना छीना। ओ कांचा अंकल, भूल गए कल कैसी आपकी पिटाई हुई थी? चुपचाप पार्क के पेपर वापस कर दो वरना फिर से तबला बजाऊंगा। हाँ। तबला किसका बजेगा, मेरा या तुम्हारा, ये तो अभी पता चल जाएगा। लाओ रे मुहूर्त का सामान लाओ। नारियल तो फूट गया बच्चों। गुल्लक दे रहे। गुल्लक भी फूट गई। क्या हुआ बच्चों तुम लोगों का जादू का? अरे कुछ जादू करो, मेरा मनोरंजन करो। चाबी। ताला भी खुल गया। चलो रे काम शुरू करो। बस बहुत हो गई, अभी मजा चखा था। अरे एक मिनट, ये नहीं। अरे बच्चों तुम लोग भी थोड़ा ईट वीट उठाओ। हाँ मेरा जादू इन पे चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा नहीं उठाओगे तो फिर एक काम करो, जाओ घर जाके लूडो और सांप सीढ़ी खेलो, क्योंकि अब ये पार्क कांचा छीना का। चलो रे। बालवीर, बालवीर तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर बच्चों घबराओ मत, मैं भी अंदर जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। हाँ।
बालवीर 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 तुम ठीक तो हो ना? लेकिन बालवीर तुम्हें धक्का कैसे लगा? लगता है यहाँ पे कोई रहस्यमय सुरक्षा कवच लगा हुआ है। कितना सुकून, कितनी खुशी मिल रही है सच्चाई की हार देखकर। और सबसे मजे की बात तो ये है कि सच्चाई का रक्षक बालवीर कुछ नहीं कर पा रहा है। एक बार ये कांचा छीना कामयाब हो जाए फिर बच्चों का बालवीर से विश्वास उठ जाएगा। बालवीर तड़पेगा, छटपटाएगा जल बिन मछली की तरह, और मैं हंसी के ठहाके लगाऊंगी। ओ, ओ परी भयंकर, थोड़ा कम हंसना। हस्ती हो जब जब आप इतनी ज्यादा होती है तब तक मुझे उतनी ज्यादा चिंता, क्योंकि हर बार हंसी के बाद है पड़ता आपको रोना। चुप, अपनी चोंच बंद रखो और कुछ काम करो। तुम जाओ इस वक्त पृथ्वी लोक और उस कांचा छीना पे नजर रखो। बच्चों घबराओ मत, मैं भी पता लगाता हूँ कि आखिर कांचा छीना की सहायता कर कौन रहा है। हे नटखट परी, दूर हो जाए बच्चों का कष्ट, करो इस सुरक्षा कवच का भेद स्पष्ट। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बुराई का पक्ष केवल तुम ही ले सकती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाल सेना, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ और मैं तुम लोगों को ऐसे उदास नहीं देख सकता। मैं अंदर जाऊंगा और कांचा चीना को मजा चखाऊंगा। अरे चाचू नहीं, अरे चाचू कांचा अंकल मैं, अरे कांचा अंकल हमें हमारा पार्क वापस करिए। श्री श्री तौबा तौबा जी। आया जी। भाई क्या है कि इतनी भी क्या जल्दी? तुम लोगों ने मेरी इतनी खातिरदारी की, जरा मुझे भी तो मौका दो कि तुम लोगों की खातिरदारी करूं। तौबा तौबा जी। हाँ जी। इन लोगों ने मेरी बहुत बैंड बजाई, जरा इनका ढोल तो बजाइए। जी जरूर। है? कहीं है तो नहीं बालवीर आसपास? ओ, गया भूल मैं तो, सुरक्षा कवच के अंदर आ नहीं सकता बालवीर। हाँ तो रॉकी, चाहिए तुम्हें कागजात? हाँ मुझे भी चाहिए अभी। लेकिन है कागजात तो तुम्हारे मुंह में। क्या देख? रुको,
कौन सा अंकल? बस श्री श्री तौबा तौबा जी। हाँ जी, इस बच्ची ने भी मुझे पक पक करके बहुत पकाया। जरा इसे भी तो अपना चमत्कार दिखाइए। जी जरूर। मेरे भी नहीं अंदर चले गए। पता नहीं भयंकर परी के जादू का पर क्या असर होगा। क्या करूं? क्या करूं? आ रहा है मुझे बड़ा आनंद, और है उससे भी बड़ा आनंद इसमें कि नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा बालवीर मेरा कुछ भी। तांचा चुना जी बोलिए, करना और किस पे जादू? श्री श्री तौबा तौबा जी। हां जी, अब ये सामने जो मोटू खड़ा है और उसके आजू बाजू ये जो चूजे हैं, इन्हें भी थोड़ा सबक सिखाइए, क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत पहलवानी दिखाई मुझे। अभी चखा था इन्हें मजा। श्री श्री तौबा तौबा जी। हाँ जी, इन चारों को क्यों छोड़ दिया भाई? इन्हें भी तो अपना कमाल दिखाइए। हाँ जरूर जरूर। देख लिया बच्चों, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब दोबारा इस तरफ मत आ। श्री श्री तौबा तौबा जी, इन बच्चों को मेरी नजरों से दूर कीजिए। जी जरूर। मेरा नाम है कांचा छीना और मैंने सबका सब कुछ छीना। बालवीर, सबको क्या हुआ? बच्चों घबराओ मत, मैं तुम सबको ठीक करता हूँ। हे रानी परी, अच्छाई की हवा चले ऐसे बच्चे हो जाए पहले जैसे। बालवीर, बालवीर, देखो कांटे ने क्या किया। बच्चों रोना बंद। उन लोगों ने जितना बुरा हाल तुम्हारा किया है उससे दुगना बुरा हाल उन लोगों का होगा। चिंता मत करो बच्चों, मैं कोई उपाय ढूंढकर जल्दी ही वापस लौटूंगा। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। बालवीर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? दरअसल रानी परी बात ही कुछ ऐसी है। तो ये बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए बालवीर, हम भयंकर परी के सुरक्षा कवच को तोड़ देंगे और उसकी बुरी शक्तियों को कभी सफल नहीं होने देंगे। लेकिन कैसे? सुरक्षा कवच मायावी चिन्ह से बना है और मायावी चिन्ह से हमारे जादू का कोई असर नहीं होता। नहीं डरी परी,
रानी परी, कोई तो उपाय होगा इसका। हम ऐसे बुराई के सामने घुटने टेक के तो नहीं बैठ सकते। बालवीर, इस सुरक्षा कवच को भेदने का उपाय परिलोक के इतिहास के किताब में जरूर होगा। है इतिहास की किताब, मायावी चिन्ह के सुरक्षा कवच को भेदने का उपाय बताइए। यदि रानी परी की आंखों से आंसू टपक कर मोती बन जाए और उस मोती से मायावी चिन्ह को छुआ जाए तो सुरक्षा कवच टूट सकता है। शुक्रिया इतिहास की किताब, शुक्रिया। ये तो बहुत सरल उपाय है, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई के आंसू से बना मोती बुराई की सुरक्षा कवच को जरूर तोड़ देगा। नहीं बालवीर, ये जितना सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं। ऐसा क्यों नटखट परी? क्योंकि हमारी रानी परी बड़ी से बड़ी आपत्ति के सामने भी अडिग रहती, अटल रहती। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। ही नहीं बनेंगे तो मोती कहां से बनेगा? और मोती नहीं बनेगा तो? बालवीर, आप निराश मत हुई, हम आपको अपने आंसू का मोती जरूर देंगे। मगर कैसे रानी परी? अगर बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर हमारा पार्क तो छिन जाएगा। हाँ मैं, अगर ऐसा हुआ फिर हम क्रिकेट और फुटबॉल कहाँ खेलेंगे? हाँ, पुक्की सही कह रहा है, अगर हमारे पास ये पार्क ही नहीं रहा तो हमें घर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलने पड़ेंगे। हाँ, तो सारे बच्चे आपकी तरह मोटे हो जाएंगे। और वीडियो गेम्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा, बालवीर जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तुम बस उस पर विश्वास रखो। नहीं रानी परी, हम समझ गए हैं कि आप क्या सोच रही हैं। ऐसा मत कीजिए। बालपरी, हमें बच्चों की खुशी के लिए ऐसा करना ही होगा, और फिर हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन वह क्या है ये तो हमें बताइए रानी परी। बालवीर, हम सब जानते हैं कि हम दूसरों के द्वारा दिया हुआ हर दर्द हर दुख हंसते हंसते झेल सकते हैं, लेकिन अपनों के द्वारा दी गई हर पीड़ा को हम नहीं झेल सकते। परियों, आप सबको मिलकर हमें इतना कष्ट देना होगा, इतना दुख देना होगा कि हमारी आंख से आंसू निकल आए। परियों, हम जानते हैं कि ऐसा करना आप सबके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन परियों, पृथ्वी लोक के बच्चों की खुशी के लिए, सच्चाई और अच्छाई की जीत के लिए आपको हमें यातना देनी ही होगी। लेकिन रानी परी, विराम परी, ये हमारा आदेश है आपको।
आप सब अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हमें इतना दुख दीजिए, इतना कष्ट दीजिए कि हम रो पड़े। चिंता मत कीजिए, भयंकर परी की वजह से आपको जितना दर्द हुआ है उससे दुगना दर्द मैं भयंकर परी को दूंगा। चाहिए बालवीर, बच्चों को उनकी खुशियां और उनके अधिकार वापस दिलवाइए। बालवीर, अच्छा हो तुम आ गए। कोई उपाय मिला उनसे निपटने का? हाँ? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया है कि मेरा जादू उन पर क्यों नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा था बालवीर? दरअसल कांचा चिन्हा के गले में एक मायावी चिन्ह है, उसी की वजह से उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना हुआ है और उसी की वजह से मेरा जादू भी उन पर नहीं चल रहा था। तो अब क्या होगा बालवीर? अगर ये शुद्ध और पवित्र मोती कांचा चिन्ह के मायावी चिन्ह को छू लेगा तो वो सुरक्षा कवच टूट जाएगा। अब ये मोती तुम लोगों को उस मायावी चिन्ह तक पहुंचाना है। लेकिन बालवीर हम कैसे? वो कांचा तो हमें देख के ही भगा देगा। हाँ। नहीं, मैं तुम लोगों को इतना छोटा बना दूंगा कि वो तुम सबको देख ही नहीं पाएगा। हाँ तो जल्दी करो बालवीर, बना दो हम सबको छोटा, क्योंकि उसने खुदाई का काम शुरू कर दिया है। नहीं केवल, तुम सब नहीं जाओ, क्योंकि ये कार्य छुपके से करना है और अगर सब लोग गए तो पकड़े जाने का डर, और इसीलिए सिर्फ मानव, महर और मोंटू तुम तीनों ही अंदर जाओ, ठीक है? हाँ, हम तैयार हैं। बालवीर, बालवीर, मैं भी जाऊंगा। अरे रॉकी चाचू, बालवीर ने कहा ना कि सबकी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं बाल सेना का लीडर हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं पार्क को बचाऊं और तुम लोगों की खुशियां वापस लाऊं। पर बालवीर, ठीक है रॉकी चाचू, आप भी जाने, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, आप सबको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब तक ये सुरक्षा कवच नहीं हटेगा मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। बालवीर तुम चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे। हे नटखट परी, जादू की ऐसी लहर आए कि बच्चे छोटे बन जाए। सर, सर, गिनती बुला दी ना। सॉरी सर। ये बैग कहाँ रख? सर पे रख दे। ओके सर। अरे गधे, नीचे रख, नीचे। सर,
चिंता मत करो बच्चों, मैं भी आप सबको दिखाता हूँ ये बच्चे और रॉकी चाचू कहाँ में। ये कांचा चीना तो पहाड़ से भी लंबा है, हम इसके लॉकेट तक कैसे पहुंचेंगे? चलो हम वापस चलते हैं। हाँ मैं पहली बार मुझे मोंटू की बात सही लग रही है, चलो वापस। मानव मोंटू रुक जाओ। एक काम करते हैं, यहाँ कहीं आसपास वो पतंग वाला मांझा ढूंढते हैं, उसका लंगर बना के हो सकता है वहां तक पहुंच जाए। ये ले, मजदूरों बांट दो। ओके। अरे वो देखो, बैग हमारे ऊपर गिर रहा है, भागो वरना हम दब जाएंगे। बच्चों, अरे क्या कर रहा है, पैसों से भरे हुए बैग को पैर लगा रहा है। अरे लक्ष्मी है लक्ष्मी, मेरे खून पसीने की कमाई है, क्या तक इतनी मेहनत से कमाई जाती है? यही समय मोंटू रॉकी चाचू मानो हमें काम करते हैं, हम सूटकेस पर चढ़ जाते हैं। अरे लेकिन हम चढ़ेंगे कैसे, उसके लिए भी मांझा चाहिए होगा ना। अरे नहीं मानो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हाँ मिल गया रास्ता सूटकेस पर चढ़ने का। नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। अब मैं लक्ष्मी से कितना प्यार करता हूँ जानता है ना, उठो यहाँ पर रख। अरे मोंटू हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आ जा। वेरी गुड बॉस। ऊपर रख। सॉरी सर। रख ऊपर। सॉरी सर। लगता है मैं ये कांचा छीना ने हमें देख लिया है, अब हम क्या करें? अरे उनका हाथ आ रहा है, झुक जाओ। ठंडी है, जाके दूसरी लेके आओ। बच तो गए लेकिन अब हम कांचा अंकल के गले तक कैसे पहुंचेंगे? ये कस्तूरी तुम क्या कर रही हो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अब शुभांगी वही नहीं, एक कप ले आइए प्लीज। कस्तूरी क्या हो गया है तुम्हें? बच्चे अब तक नहीं आए, अब तक तो आ जाने चाहिए, अब मुझे मेंशन हो रही है। मेंशन नहीं माँ, टेंशन। हाँ वो वही सेम टू सेम। अरे कस्तूरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो पार्क खुल गया होगा तो बच्चे खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। बच्चों ने क्या कहा था कि वो कांचा से पार्क के कागज लेकर तुरंत घर आ जाएंगे, अभी तक नहीं लौटे। हाँ महेश
तुमने कहा था ना कि कांचा बहुत खतरनाक आदमी है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। महेश, स्मिता, स्मिता माँ फिकर मत करो, बालवीर है ना उनके साथ, बालवीर सब ठीक कर देगा। वैसे बच्चों की चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन मैंने इस बात का घमंड नहीं किया। मिल गया क्या इश्तिहार? किसका हार? बापूजी हार नहीं, नौकरी का इश्तिहार मिल गया। भाई बालवीर तो बच्चों के साथ है, वो उनका पार्क उन्हें दिला देगा, लेकिन मुझे तो नौकरी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ महेश भाव, जब तक नौकरी ढूंढोगे नहीं तब तक छोड़ोगे कैसे? वैसे ना जोक मारने में मैं भी बड़ी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं। क्या कर रही हो तुम, इस बार जोक की जगह पे बेलन क्यों मारा? सॉरी। बच्चों जल्दी करो, जल्द से जल्द कांजा चीना की गले तक पहुंचो, बच्चों जल्दी। मिल गया रास्ता। कहाँ है? हाँ, वो देखो स्टेपलर। स्टेपलर? लेकिन स्टेपलर हमें कांचा छीना के गले तक कैसे पहुंचाएगा? हाँ देखो, हम उस पे जंप करेंगे और उसकी स्प्रिंग दबेगी, फिर हम उछल कर सीधा कांचा अंकल के गले या सिर तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ये मैं जंप करने वाला नहीं हूँ, अगर मेरी लैंडिंग गलत हुई ना तो मेरा सीधा टेक ऑफ हो जाएगा। मोंटू बहस मत कर, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। नहीं मोंटू, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले जाती हूँ, ठीक है? काले घने जंगल में फंस गया था। मोंटू ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द लॉकेट तक पहुंचना है, चलो कॉलर की तरफ बढ़ो। बच्चों संभाल के, बालवीर तू देखो, तोपो तोपो ने उन सबको देख लिया है। नींद चारा में सोने हेडेक, ठीक है जाओ। सब ठीक है ना नीचे? मैं यहाँ तो बहुत गेली खाई है, मैं मुझे नीचे दिखे चक्कर आ रही है। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा हाथ टूट रहा है, मैं नीचे गिर जाऊंगा। अरे चुप चुप रहो वरना पीट दूंगी। पार्क वापस चाहिए तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा, समझे? मोंटू तू देख वो तोबा तोबा गया कि नहीं? शायद वो चला गया। चला गया तो जल्दी ऊपर खींच। लगता है अब बच्चे उस मायावी चिंतक पहुंच जाएंगे। हाँ बालवीर, बालवीर,
बच्चों, लगता है कोई और बच्चा मुसीबत में, मुझे जाना होगा। लेकिन बालवीर, चिंता मत करो बच्चों, मैं जल्दी ही लौटूंगी। ठीक है बालवीर। तुम ही मुझे बुला रहे थे ना? अरे तुम रो क्यों रहे हो? देखो डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो बताओ तुम बालवीर जी, तोबा जीत ही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कांचा छेना के पास थे। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। बस अब मुझे उस मायावी चिंता तक पहुंचना है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुझे स्लाइड होते हुए तो नीचे जाना है। हाँ एक काम कर, तू चले जा। रॉकी चाची बॉटल दो उसको, बॉटल दो। ले 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 बॉटल ले। अरे कांच अंकल का हाथ तो मेरे और ही आ रहा है, मुझे लगता है मैं हवा में उड़ जाऊंगी। मैं भयंकर परी के होते हुए तिलस्मी तावीज तक पहुंचना नामुमकिन है। हाँ।